लास्ट टॉपिक हमारा इस कलेक्शन फ्रेमवर्क और इस एपीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज़ हैश टेबल। हम काफ़ी बार डिफरेंट डाटा स्ट्रक्चर में ये वर्ड यूज़ करते आए हैं कि दिस इज़ बेस्ड ऑन हैश टेबल, दिस इज़ बेस्ड ऑन हैश टेबल। सो हम देखते हैं ये हैश टेबल है क्या। हैश टेबल एक डाटा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसके अंदर यहाँ पे एक क्लास है इसकी हैश टेबल, जिसकी डिफ़ॉल्ट कैपेसिटी 11 है। आप बढ़ा भी सकते हैं, जितनी मर्ज़ी इसको कर सकते हैं। इंसर्शन ऑर्डर इसमें प्रिजर्व नहीं करता, क्योंकि हैशिंग की वजह से, वो अभी हम देखेंगे कैसे प्रिजर्व नहीं करता। डुप्लीकेट कीज़ अलाउड नहीं है, डुप्लीकेट वैल्यूज़ अलाउड हैं इसमें। ये हेट्रोजीनियस हो सकती हैं कीज़ और वैल्यूज़ दोनों, ठीक है। नल नॉट एप्लीकेबल फॉर की और वैल्यूज़ या वेरिएबल, उनके लिए नल अलाउ नहीं है। इम्प्लीमेंट्स करता है ये सीरियलाइजेबल को भी, क्लोनेबल को भी, लेकिन रैंडम एक्सेस को इम्प्लीमेंट नहीं करता। और ये एक थ्रेट सेफ क्लास है। सो इसके साथ वर्किंग चेक करते हैं कि ये क्या चीज़ है। ये एक कोड लिखा हुआ है जी, हैश टेबल इज इक्वल्स टू माई हैश, और ये माई हैश हमारा सेम क्लास है जो मैंने अभी बनाई थी इसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमें जो चीज़ मस्ट इम्प्लीमेंट करनी है वो है हैश कोड का फंक्शन। तो फॉर टाइम बीइंग इस एग्जांपल के लिए मैं कहता हूँ जो वैल्यू मैं दूंगा वही मेरा हैश कोड है, ठीक है। सेम इज़ माई हैश कोड, 1 देता हूँ तो 1 हैश कोड है, 2 देता हूँ। तो आप किसी भी कोई भी मैकेनिज्म के थ्रू ये जो है ना हैश कोड का फंक्शन लिख सकते हैं। वो अब आप पे डिपेंड करता है कि किस किस टाइप का हैश कोड का फंक्शन लिखते हैं, लेकिन सिंपलिसिटी के लिए हम वही वैल्यू रख रहे हैं। सो लेट्स सी, सबसे पहले हमने 5 लिखा, तो 5 जाएगा, 5 इज इक्वल टू ए, तो 5 आपके यहाँ पे आ गया ए के ऊपर, फिफ्थ लोकेशन के ऊपर। फिर बी लिखा मैंने, 2 बी, तो यहाँ पे आ गया, ये वैल्यू इधर आ जाएगी टेबल की इस जगह पे। 6 6 आ गई हमारे पास सी यहाँ पे, ठीक है। अब भाई बारी 15 की, 15 तो हमारे पास लोकेशन मौजूद ही नहीं है, तो किस तरह हम कैलकुलेट करेंगे, जो वैल्यू है उसको डिवाइड करेंगे टोटल साइज़ के ऊपर, जो रिमाइंडर आएगा उसका वो लोकेशन के ऊपर उसको रख देंगे। सो हम कहेंगे डी 15 डी जो है वो हमारी 4 लोकेशन के ऊपर आ जाएगा। फिर आगे 23 है, उसको भी यही काम किया, 11 पे डिवाइड किया, 1 आया तो ये 1 लोकेशन पे रख दिया। और जो एफ़ है नेक्स्ट हमारे पास 16 है, इसको डिवाइड किया, बाकी 5 बचा तो इसको फिफ्थ लोकेशन पे रख दिया। सो ये है हैश टेबल के इंसर्जन। तो यहाँ से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कभी भी हैश टेबल की जो एंट्री है वो आपकी सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं आ सकती, यानी कि जिस ऑर्डर में सॉरी आपने इंसर्ट किया है उस ऑर्डर में नहीं आ सकती। तो ये रीड कैसे करते हैं हैश टेबल को, रीड करने का जो रूल है वो ये है जी, टॉप टू बॉटम, राइट टू लेफ्ट। या इसको प्रिंट करेंगे, टॉप टू बॉटम प्रिंट करेगा, राइट टू लेफ्ट। इस केस में 6 16 5 D 2 23, तो ये इसकी आउटपुट आएगी, यानी टॉप टू बॉटम जैसे ही आपको वैल्यू मिलेगी राइट टू लेफ्ट। सो अगर आप इसको गौर से देखें तो इसका मतलब ये कोई टू डायमेंशनल अरे ही लग रही है, यानी कि यहाँ की ये अगर देखा जाए तो मैप के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो दिस इट लुक लाइक इंटीजर कॉमा लिस्ट ऑफ इंटीजर या लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट। सो इसको रीड कैसे करते हैं, टॉप टू बॉटम, जैसे ही वैल्यू बॉटम पे आपको मल्टीपल मिले तो राइट से पढ़ना शुरू हो जाएंगे, राइट टू लेफ्ट। तो ये हमारी जो है हैश टेबल की वर्किंग है। सो इंशाल्लाह अब इसके ऊपर मैं आपको जो अभी तक हमने जितना काम किया है, तो एक्सेप्शन हैंडलिंग को भी ख़त्म कर लें और फिर क्लासेस को सब मिला के एक छोटा सा हम प्रोजेक्ट करेंगे, ठीक है। और फिर एक उस प्रोजेक्ट के बाद एक असाइनमेंट दूंगा, फिर हम आगे अपने जो नेक्स्ट आने वाले टॉपिक हैं उनको मूव करेंगे। सो आफ्टर दिस आवर नेक्स्ट अपकमिंग टॉपिक इज़ एक्सेप्शन हैंडलिंग। थैंक यू वेरी मच।